हम लोग टाइम सीरीज आज स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने लास्ट रिग्रेशन कंप्लीट किया था रिग्रेशन के बाद टाइम सीरीज इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू रिग्रेशन ना सबसे पहले समझते हैं आज का क्लास जो है ऑब्वियसली वो एक ओवरव्यू क्लास है जिसमें हम पूरा माइंड मैप बनाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके एंड देन हर एक क्लास में उस पर बिल्डअप ऑन करेंगे ना टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है टाइम सीरीज डेटा इज द डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से मंथली से क्वार्टरली से हाफ ईयरली से एनुअली तो वो जो डेटा आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे रिग्रेशन में हम लोग रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते थे बिटवीन वाई एंड एक्स राइट हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल थे हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना सीखे रिग्रेशन के अंदर टाइम सीरीज के अंदर क्या होता है टाइम सीरीज के अंदर वन सेकेंड प्लीज अपना वीडियोस बंद कर लीजिए टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हम लोग वाई के अंदर ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और पैटर्न्स को मॉडल करते हैं रिग्रेशन में क्या होता है हमारे पास वाई होता है हमारे पास एक्स होता है हम वाई और एक्स में रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर हम लोग वाई के अंदर ही जो पॉसिबल पैटर्न है उसको एक्सप्लोर करते हैं एंड उसको मॉडल करते हैं राइट right? कोई मुझे बता सकता है टाइम सीरीज डेटा में कौन कौन से तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं टाइम सीरीज डेटा में व्हाट डू यू थिंक कौन कौन से तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं एनीवन अगर आपको मैं टाइम सीरीज दे दू सपोज मैं आपको जीडीपी का डेटा दे, दे दू या मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे, दे दू या मैं आपको किसी कंपनी की सेल्स का डेटा दे दूं या मैं आपको किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर का डेटा दे दूं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस तो किस तरह के आपको पैटर्न्स मिल सकते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर राइट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल यहां पर मैंने एक रियल डेटा लिया है ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कहा से लिया है फ्रेड करके वेबसाइट है वहां पर टाइम सीरीज डेटा सेट्स अवेलेबल है मैं अपने पूरे सेशंस में वो टाइम सीरीज डेटा सेट्स वहीं से पिक करूंगा फ्रेड करके वेबसाइट है राइट बिकॉज़ फ्रेड जो है ना वो आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा प्रोवाइड करता है अनइंप्लॉयमेंट रेट इन्फ्लेशन जीडीपी और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आप सबका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर आप टाइम सीरीज को यूज करोगे तो यहां पर मैंने क्या किया है अनइंप्लॉयमेंट रेट का डेटा लिया है और आप देख सकते हैं मेरे पास कितने uh, डेटा पॉइंट है एक्सप्लोर so, करते हो एंड देन उन पैटर्न को मॉडल करते हो राइट right? तीन तरह के पैटर्न होते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर तीन तरह के पैटर्न होते हैं वन इज ट्रेंड वन इज सीलिटी एंड वन इज साइक्लिटी आप कोई भी टाइम सीरीज डेटा देखोगे तो आपको तीन तरह के पैटर्न मिल सकते हैं मेनली वन इज ट्रेंड वन इज सीलिटी ट्रेंड का मतलब क्या होता है ट्रेंड का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं जीडीपी की वैल्यूज लेकर चल रहा हूं वट डू यू थिंक जीडीपी कैसा ट्रेंड कर रहा होगा अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स किसी भी इकोनमी का जीडीपी कैसा ट्रेंडिंग होगा कैसा ट्रेंडिंग होगा जीडीपी मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा जीडीपी की एपसोलूट वैल्यूज की बात कर रहा हूं ट्रेंड राइट right? तो जीडीपी जो है उसमें एक ट्रेंड आपको दिखेगा बिकॉज जीडीपी हमेशा बढ़ता ही है तो इट इज अप ट्रेंड राइट तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका ट्रेंड का मतलब क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इंक्रीजिंग वैल्यूज का मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया जीडीपी जीडीपी राइट नाउ सीजनैलिटी का मतलब क्या है सीजनैलिटी मतलब शॉर्ट टर्म पैटर्न दैट रिपीट देमसेल्व शॉर्ट टर्म पैटर्न दैट रिपीट देमसेल्व फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एयरलाइन कंपनी uh, के पैसेंजर बुकिंग्स का डेटा ले रहा हूं एक एयरलाइन कंपनी के पैसेंजर बुकिंग्स का डेटा ले रहा हूं और मैं मंथली डेटा ले रहा हूं तो किस मंथ में आपको हाईएस्ट पैसेंजर बुकिंग्स दिखेंगी व्हाट डू यू थिंक किस मंथ में आपको हाईएस्ट पैसेंजर बुकिंग्स मिलेंगी दिसंबर दिसंबर में बिकॉज दिस वेकेशन का टाइम होता है सब लोग ट्रेवल करते हैं तो उस केस में में बुकिंग्स आर तो ये जो दिसंबर आपको एक्स्ट्रा स्पाइक दिखेगा एज कंपेयर टू अदर मंथ दिस इज कॉल्ड सीजनेलिटी वन सेकेंड या आप सब लोग रिमोट कंट्रोल का एक्सेस क्यों मांग रहे हो प्लीज नॉइज uh, मत क्रिएट करो क्लास के दौरान तो तो व्हाट आई एम सेइंग इज का मतलब है शॉर्ट टर्म पैटर्न्स दैट रिपीट अगर एयरलाइन कंपनीज का पैसेंजर बुकिंग्स का डेटा आप ले रहे हो तो आपको दिखेगा दिसंबर के दौरान बुकिंग्स आर हाईएस्ट क्यों दिसंबर के दौरान बुकिंग्स आर हाईएस्ट बिकॉज वेकेशन का टाइम होता है एंड वेकेशन के टाइम में जो आपका ट्रेवल होता है दैट इज हाइएस्ट उसी तरह से सपोज मैं एक कंपनी का सेल्स का डेटा ले रहा हूं एंड वो कंपनी एयर कंडीशनर्स बनाती है तो कौन से मंथ में आपको एक स्पाइक दिखेगा सेल्स में अप्रैल में एक्सीलेंट तो अप्रैल में आपको दिखेगा सेल्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अदर मंथ्स तो इसका मतलब एक सीजनैलिटी है कौन सी सीजनैलिटी मंथली सीजनैलिटी पहले हमने एग्जाम्पल देखा कौन सा पैसेंजर बुकिंग्स का वो हमें हाई दिखेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर एज कंपेयर टू अदर मंथ्स फिर मैंने आपको बोला एक एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो सेल्स है वो आपको ज्यादा दिखेंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल राइट बिकॉज सीजनैलिटी है उस टाइम पे गर्मियां स्टार्ट होने वाली होती है तो ज्यादा एसी की सेल्स होती है सो so, सीजनैलिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म पैटर्न दैट रिपीट शॉर्ट टर्म पैटर्न दैट रिपीट डेमसेल्स ट्रेंड का मतलब क्या था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तीसरा होता है मेरा साइक्लिकलिटी तीसरा क्या होता है साइक्लिकैलिटी साइक्लिकैलिटी का मतलब क्या है हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट राइट एंड फ्यूचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट साइकिल्स अगर आप साइकिल्स का प्लॉट इमेजिन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो आज होने वाला है इट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट जो कल हुआ था फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंपनी की सेल्स को मॉडल कर रहा हूं तो आई कैन से आज का सेल्स कैन बी मॉडल्ड बेस्ड ऑन लास्ट मंथ का सेल्स राइट बिकॉज सेल्स मूव इन साइकल्स अगर पिछले महीने कम सेल हुआ था तो इस महीने शायद कम सेल होगा पिछले महीने ज्यादा सेल हुआ था तो इस महीने भी ज्यादा सेल होगा तो अगर साइक्लिकल पैटर्न है इसका मतलब आप बोलना चाहते हो कि प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट राइट तो कोई भी टाइम सीरीज मॉडल बनाने का मतलब क्या है हम लोगों को टाइम सीरीज डेटा के अंदर वाई के अंदर ही यहां कोई एक्स का बात अभी तक हम लोग नहीं कर रहे वाई के अंदर ही मुझे कुछ रिलेशनशिप्स कुछ पैटर्न्स एक्सप्लोर करने हैं तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं वन इज ट्रेंड वन इज सीजनिटी वन इज साइक्लिटी ट्रेंड का मतलब क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीजनेलिटी का मतलब क्या है सीजनेलिटी मीन्स शॉर्ट टर्म पैटर्न दैट रिपीट देमसेल्व And cyclicality means future is a function of present, right? And present is a function of past. तो so, अगर मैं sales को model कर रहा hu तो I can say आज का जो sales होने वाला है it is function of last month जो sales हुआ था राइट right? इस तरह के patterns आपको मॉडल करने हैं तो उसके लिए आप टाइम सीरीज मॉडल बिल्ड करोगे यहां तक सबको क्लियर है Now टाइम सीरीज मॉडल जो आप बिल्ड करते हो यू कैन हैव सिंगल टाइम सीरीज ये फ्लो चार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं फ्लो चार्ट आई एम डिस्कसिंग इससे क्या है आपको एक माइंड मैप मिलेगा क्योंकि टाइम सीरीज इज अ वेरी बिग टॉपिक राइट तो काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारे कॉम्पोनेंट जो पढ़ेंगे वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं तो फर्स्ट ओवरव्यू क्लास में मैं वो सारे कॉम्पोनेंट कनेक्ट कर रहा हूँ मैंने क्या बोला सबसे पहले की टाइम सीरीज डेटा मतलब डेटा कलेक्टेड ओवर अड ऑफ टाइम दैट पीरियड ऑफ टाइम कैन बी डेली दैट कैन बी वीकली दैट कैन बी मंथली दैट कैन बी क्वार्टरलीट कैन बी हाफ ईयरली उससे ऊपर जनरली कोई यूज नहीं करता जो भी आप डेटा लोगे ठीक है वो जो time series data आप लो उस दो तरह के मॉडल बन सकते हैं क्या होता है आपके पास एक ही वेरिएबल है एंड उसी का टाइम सीरीज डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनुप्लॉयमेंट रेट का डेटा आपने कलेक्ट किया है ओवर द लास्ट से फिफ्टी दैट इज द केस ऑफ सिंगल टाइम सीरीज मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या होता है सपोज मैं अनुप्लॉयमेंट रेट को मॉडल कर रहा हूं एंड आई एम से नहीं अनुप्लॉयमेंट रेट इज फंक्शन ऑफ जीडीपी पहले जी डी पी गिरेगा राइट right? उसके कारण बिजनेसिस को लॉस होगा तो उसके कारण वो लेफ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या इसे अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी, डी पी राइट यहां पर एक वाई है यहां पर एक एक्स भी है बट यहां पर y और x दोनों टाइम सीरीज है y और x दोनों टाइम सीरीज है रेट इज अ टाइम सीरीज मॉडल इज इज अ अ टाइम टाइम सीरीज सीरीज डेटा डेटा एंड तो दोनों अगर टाइम सीरीज है राइट तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिग्रेशन नहीं कर सकते आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसीलिए अलग से मैंने लिखा है मल्टीपल टाइम सीरीज मल्टीपल टाइम सीरीज कहां पे आएगा जहां पर भी आप ऐसे मॉडल्स बना रहे हो जहां पे दो वेरिएबल्स है या मल्टीपल वेरिएबल्स है दो से ज्यादा एंड वो सारे के सारे वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है है अपने आप में टाइम सीरीज एम आई क्लियर तो यू कैन हैव सिंगल टाइम सीरीज यू कैन हैव मल्टीपल टाइम सीरीज सिंगल टाइम सीरीज जैसे एग्जाम्पल हो गया सेल्स का डेटा लेना राइट ए सी की सेल्स का डेटा लेना या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा लेना खाली अनएम्प्लॉयमेंट रेट का या खाली जीडीपी की वैल्यूज का डेटा लेना दैट इज सिंगल टाइम सीरीज

तो सिंगल टाइम सीरीज और मल्टीपल टाइम सीरीज सिंगल टाइम सीरीज समझ आ गया मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या मॉडल्स यूज होते हैं वो हम देखेंगे को इंटीग्रेशन और एरर करेक्शन मॉडल्स अगर किसी ने सुना है तो को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल्स यहां पे लाए करते हैं को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल्स यहां पे लाए करते हैं मल्टीपल टाइम सीरीज में और बॉक्स जेंकिडोलॉजी बॉक्स जेंकिडोलॉजी लाए करती है सिंगल टाइम सीरीज में मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या आएगा को इंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल्स एंड सिंगल टाइम सीरीज में हम कौन सा मेथोडोलॉजी देखेंगे बॉक्स मेथोडोलॉजी नाउ बात क्या चल रही है बात यह चल रही है कि आपके तीन तरह के पैटर्न होते हैं टाइम सीरीज डेटा में ट्रेंड सीजनेलिटी एंड साइक्लिकैलिटी द रूल ऑफ मॉडलिंग इज आपको तीनों पैटर्न को अलग अलग मॉडल करना है आपको तीनों पैटर्न को अलग अलग मॉडल करना है फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं सबसे पहले साइकिल्स को मॉडल कर रहा हूं सबसे पहले मैं उल्टा चल रहा हूं मैं साइकिल्स को मॉडल कर रहा हूं तो जब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे तो डेटा में ट्रेंड या सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए जब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे तो डेटा में ट्रेंड या सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए आप से रिपीट कर रहा हूं जब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे तो डेटा में ट्रेंड या सीजनलिटी नहीं होना चाहिए बिकॉज तीनों कॉम्पोनेंट्स अलग अलग मॉडल होंगे टेक्निकली इसको बोलते हैं कि साइकल्स को अगर आपको मॉडल करना है इन दैट केस योर टाइम सीरीज शुड बी को वेरियंस स्टेशनरी मैंने क्या बोला तीन तरह के पैटर्न है ट्रेंड सीजनेलिटी साइक्लिकलिटी एक बार मन में बायस बनाओ कि हम लोग साइक्लिकलिटी से स्टार्ट करेंगे उल्टे से स्टार्ट करना चाहते हैं सिंस तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग मॉडल होंगे तो जब आप साइक्लिकलिटी को मॉडल कर रहे हो तब डेटा में ट्रेंड और सीजनैलिटी नहीं होना चाहिए अलाउड नहीं है क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग मॉडल करना है राइट right? टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि आपकी टाइम सीरीज को वेरियंस स्टेशनरी होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू मॉडल साइकिल्स आपकी टाइम सीरीज को वेरियंस स्टेशनरी होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू मॉडल साइकिल्स राइट कोवेरियंस स्टेशनरी का मतलब क्या है इसमें बहुत डिक करेंगे हम लोग अभी मैं आपको आज माइंड uh, मैप दे रहा हूं तो कोवेरियंस स्टेशनरी का मतलब होता है मीन वेरियंस एंड एंड कोवेरियंस शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस टाइम फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने मंथली डेटा लिया है नाइनटीन से स्टार्ट करके राइट right? तो मैं क्या कर सकता हूं नाइनटीन का एक मीन निकाल सकता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फिर 1949 का एक मीन निकाल सकता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो जो मीन होना चाहिए वो मोटा मोटी कांस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस टाइम राइट मीन शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस टाइम वेरिएंस शुड आल्सो बी कांस्टेंट एंड को वेरियंस शुड बी कॉन्स्टेंट दैट इज द मीनिंग ऑफ को स्टेशनरी सर थोड़ा सा और बताओ मैंने क्या बोला ट्रेंड अगर डेटा में है तब आप साइकिल्स के बारे में नहीं सोच सकते टेक्निकली साइकिल अगर मॉडल करनी है तो सीरीज को वेरियंस स्टेशनरी होना चाहिए उल्टा सोचो अगर सीरीज को वेरियंस स्टेशनरी नहीं है इसका मतलब मीन मीन जो है वो कांस्टेंट नहीं है सपोज मीन इंक्रीजिंग है मीन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या चीज है बताओ मीन इंक्रीजिंग है इसका मतलब डेटा में क्या चीज प्रेजेंट है अगर आपको मीन इंक्रीजिंग दिख रहा है मीन कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसका मतलब डेटा में ट्रेंड है तो वही तो मैं बोल रहा हूं ट्रेंड अलाउड ही नहीं है ट्रेंड पहले हटाओ सीजनलिटी हटाओ उसके बाद साइकल्स को मॉडल करने का सोचो इसीलिए जब साइकल्स को मॉडल कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं टाइम सीरीज शुड बी कोवेरियंस स्टेशनरी राइट इसको ऐसे सोच सकते हो टाइम सीरीज शुड बी कोवेरियंस स्टेशनरी मतलब उसमें मीन वेरिएंस कोवेरियंस कांस्टेंट होना चाहिए सिंपल भाषा में कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं कि उस डेटा में ट्रेंड और सीजनलिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज़ अगर ट्रेंड और सीजनलिटी प्रेजेंट है तो साइकल्स पे क्यों आए हो पहले उसको मॉडल करके आओ ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे सबको अलग-अलग मॉडल करेंगे राइट तो नाउ व्हाट आई हैव डन इज मेरे पास यहाँ पे अनइंप्लॉयमेंट रेट का डेटा है मैंने उसका प्लॉट बनाया है तो लेट मी शो यू द प्लॉट दिस इज द प्लॉट ऑफ माय टाइम सीरीज डेटा दिस इज द प्लॉट ऑफ माय टाइम सीरीज डेटा जहां पे मेरा y एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वैल्यूज है एंड मेरा x एक्सिस पे टाइम फ्रेम है विच इज मंथली राइट यू कैन सी द प्लॉट नाउ मुझे क्या करना है मुझे चेक करना है कि क्या ये टाइम सीरीज को वेरियंस स्टेशनरी है कि नहीं सर आप पहले ट्रेंड और सीजनैलिटी क्यों नहीं चेक कर रहे मैंने बोला एक बायस बनाना है जब चैप्टर कर रहे हैं कि हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले साइक्लिक के बारे में सोच रहे हैं

लास्ट इज is 2022, and एंड मैंने मीन ले लिया unemployment rates का इन the Then average unemployment rate एवरेज the रेट इन 1949 में 12 months का data है उसका एवरेज ले लिया 1950. उसी तरह से मैंने वेरियंस निकाला है उसी तरह से मैंने वेरियंस निकाला है राइट वेरियंस निकाला है 1948 का, का, का 1949 ka, 1950 ka and so on. राइट right? नाउ एक बारी मैं आपको मीन और वेरियंस को शो कर रहा हूं आप मुझे बताना मोटा मोटी स्टेशनरी लग रहा है कि नहीं लग रहा स्टेशनरी का मतलब रियल डेटा पे ये नहीं होता कि फ्लैट लाइन आएगी राइट right? स्टेशनरी मतलब आपको एक लेवल के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो लेट मी शो यू द मीन दिस इज द मीन द प्लॉट ऑफ द मीन एंड दिस इज द प्लॉट ऑफ द वेरियंस दिस इज द प्लॉट ऑफ द मीन एंड दिस इज द प्लॉट ऑफ द वेरियंस यू थिंक वेदर द मीन एंड वेरियंस इज ट अक्रॉस टाइम और इज इट नॉन कॉन्स्टेंट फीलिंग क्या आ रही है फीलिंग क्या आ रही है अगेन मीन का मतलब फ्लैट लाइन नहीं मिलेगी मतलब वो एक लेवल के आसपास है ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए मीन और वेरियंस कॉन्स्टेंट दिख रहे बिकॉज एक लेवल के आसपास ही वो फ्लिकर कर रहा है राइट एक लेवल के आसपास फ्लिकर कर रहा है इसका मतलब एक लेवल तो कॉन्स्टेंट है ना राइट right? तो मीन और वेरियंस कॉन्स्टेंट लग रहा है सर रियल लाइफ में कैसे चेक करेंगे क्या ऐसे विजुअली चेक करेंगे नहीं विजुअल इंस्पेक्शन तो हमेशा करते हैं फॉर द फर्स्ट फील कि हाँ कांस्टेंट होगा कि नहीं अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा टू जज वेदर सीरीज इज कोवेरियंस स्टेशनरी और नॉट राइट तो यहां पर हम लोग कुछ टेस्टिंग करेंगे वो टेस्टिंग हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस टेस्ट है डिक्की फ्यूलर टेस्ट एक एक कॉम्पोनेंट में अलग अलग क्लासेस में डिस्कशन करूंगा डिक्की फ्यूलर टेस्ट भी हमें क्या रिजल्ट देगा इज को वेरियंस स्टेशनरी सर हमें डिक्की फ्यूलर समझाओ ना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा पहले माइंड में आप समझ लो चीजों को फिट कर लो क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिर हर एक टॉपिक के ऊपर अपने डिक करेंगे राइट right? तो मेरा सीरीज को स्टेशनरी हो गया ऐसा लेके चलो जहां पे सीरीज स्टेशनरी नहीं होता राइट अगर मेरा सीरीज स्टेशनरी नहीं होता इसका मतलब मीन क्या होता है इसका मतलब डेटा में क्या है ट्रेंड और सीजनैलिटी पड़ा हुआ है डेटा में ट्रेंड और सीजनैलिटी पड़ा हुआ है तो वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को पहले मॉडल करना पड़ेगा कहने का मतलब है वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को पहले हटाना पड़ेगा अगर वो हटाओगे तभी आप साइकिल्स को मॉडल करने का सोचोगे राइट right? तभी आप साइकिल्स को मॉडल करने का सोचोगे तो मैं क्या करूंगा मैं ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाऊंगा इफ द सीरीज इज नॉट कोवेरियंस स्टेशनरी ये फ्लो चार्ट बन रहा है कि हम लोग सिंगल टाइम सीरीज का बात कर रहे हैं टाइम सीरीज या तो कोवेरियंस स्टेशनरी होगी उसके लिए बहुत सारे टेस्ट है या कोवेरियंस स्टेशनरी नहीं होगी कोवेरियंस स्टेशनरी है तो आप सीधा साइकिल्स को मॉडल कर सकते हो कोवेरियंस स्टेशनरी नहीं है तो आपको पहले ट्रेंड और सीजनेलिटी को हटाना पड़ेगा डेटा से राइट right? वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाने के दो तरीके हैं यू कैन आइदर डू डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग और यू कैन डू डिफरेंसिंग यू कैन आइदर डू डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग और यू कैन डू डिफरेंसिंग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही वर्क करता है डिफरेंसिंग ऑलमोस्ट सभी केसेस में वर्क करेगा राइट डी ट्रेंडिंग का मतलब क्या है अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो मीन है इट इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम तो टाइम के साथ ही रिग्रेस कर लो ना रिग्रेशन करो वाई और एक्स के बीच में एंड एक्स इज टाइम पीरियड राइट फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मेरा वन जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट टाइम है उसको वन मान लूंगा ना वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव दिस इज सिक्स दिस इज सेवन तो टाइम के साथ ही रिग्रेशन रिग्रेशन कर लो राइट right? टाइम के साथ ही रिग्रेशन कर लो टाइम के साथ रिग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ आप डी ट्रेंडिंग कर रहे हो बिकॉज आपने ट्रेंड को मॉडल कर लिया ट्रेंड को एक तरह से हटा दिया राइट तो डी ट्रेंडिंग अगर आपको करनी है देन यू रिग्रेस विद टाइम दैट टाइम कैन बी मंथली दैट टाइम कैन बी क्वार्टरली दैट टाइम कैन बी सेमी एनुअली यहां पर मेरा जो डेटा है वो मैंने मंथली कलेक्ट किया है तो मैं टाइम कैसे मेंशन करूंगा फॉर एग्जांपल आई विल से टी एंड ऑन तो अगर मैं ऐसे टाइम को एक वेरिएबल बना रहा हूं एंड देन अनुप्लॉयमेंट रेट को वो टाइम के साथ रिग्रेस कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग दैट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग बिकॉज आपको ये दिख रहा है ना टाइम के हिसाब से आपका वाई चेंज हो रहा है राइट right? अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी शायद इंक्रीज हो रहा है अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो टाइम के साथ रिग्रेस कर लो दैट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग दूसरा है डी सीजनलाइजिंग डी सीजनलाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग डमी वेरिएबल्स लेके आते हैं मैंने आपको रिग्रेशन में डमी वेरिएबल्स सिखाया था डमी वेरिएबल्स अगर मेरे पास मंथली डेटा है राइट तो इसका मतलब 12 महीने अगर 12 महीने हैं तो उस केस में मैं कितने डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा बताना कितने डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा ये मैंने रिग्रेशन में डिस्कस किया था कितने डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा ग्यारह डमी वेरिएबल्स यूज करूंगा वो डमी वेरिएबल्स यूज करने का मतलब क्या हो गया देखो सीजनैलिटी का मतलब क्या है किसी एक पर्टिकुलर मंथ में अगर आपकी अगर आप इला डेटा देख रहे हो और आपको मंथली सीजनैलिटी मिलता है इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर में आपको दिखता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेरिएबल इज डिफरेंट ऑन एन एवरेज फ्रॉम द अदर मंथ्स राइट right. तो उसके लिए उस मंथ को एक वेरिएबल बना लो ना राइट डमी वेरिएबल का मतलब क्या है हर एक मंथ को वेरिएबल बनाना राइट जनवरी इज अ वेरिएबल आप जनवरी में हो या नहीं हो वन और जीरो तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से फर्स्ट मंथ आई विल से सेकंड मंथ आई विल से थर्ड मंथ ऐसे करके मैं ग्यारह अलग अलग वेरिएबल्स बना लूंगा ग्यारह अलग अलग वेरिएबल्स आप फर्स्ट मंथ में हो तो यहां वन आ जाएगा बाकी सब में जीरो आ जाएगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर वैल्यू बिलोंग्स टू फर्स्ट मंथ राइट आप सेकेंड मंथ में हो तो सेकेंड मंथ के सामने क्या आएगा one. One मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में हो अदरवाइज नहीं हो जीरो मतलब नहीं हो राइट right? तो यहां पे आया वन उसके बाद क्या आ जाएगा जीरो यहां फर्स्ट मंथ के सामने वन बाकी सबके सामने जीरो राइट right? तो डमी वेरिएबल रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं हम लोग डमी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं अगर 12 मंथ है मतलब एक वेरिएबल में 12 कैटेगरीज है तो वी हैव टू क्रिएट ओनली 11 डमी वेरिएबल्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी दिस आई डिस्कस्ड इन रिग्रेशन टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ परफेक्ट मल्टी इफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल हैज ट्वेल्व कैटेगरीज इन दैट केस आई विल क्रिएट ओनली इलेवन डमी वेरिएबल्स मैं इलेवन डमी वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा एंड वो डमी वेरिएबल्स क्या शो कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर मंथ में हो या नहीं हो राइट right? इससे फायदा क्या होगा आप इसको जब रिग्रेशन में इंक्लूड करोगे जिस तरह से आप टाइम के साथ रिग्रेस कर रहे हो जब आप इसको रिग्रेशन में इंक्लूड करोगे तो अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है एज कंपेर्ड टू अदर मंथ्स राइट मतलब मंथली सीजनैलिटी प्रेजेंट है तो वो ये मॉडल कैप्चर कर लेगा राइट right? और डी सीजनलाइजिंग का मतलब क्या है वो सीजनैलिटी को कैप्चर करना तो जब मैं रिग्रेशन कर रहा हूं एक तरह से वो सीजनैलिटी को मैं कैप्चर करके हटा रहा हूं दैट इज इज इट कॉल्ड डी सीजनलाइजिंग तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बट डी ट्रेंडिंग और डी सीजनलाइजिंग का मतलब है डी ट्रेंडिंग मतलब टाइम के साथ रिग्रेशन करो डी सीजनलाइजिंग मतलब डमी वेरिएबल रिग्रेशन करो राइट डमी वेरिएबल रिग्रेशन करो अगर मेरा क्वार्टरली डेटा होता तब कितने डमी वेरिएबल्स वेरिए तीन डमी वेरिएबल्स वेरिए राइट वन टू थ्री अच्छा यहां पे वन टू इलेवन लू या टू 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 फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता राइट सो डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग करके आप क्या कर सकते हो ट्रेंड और सीजनैलिटी को मॉडल कर सकते हो दिस वी विल सी एंड अगर ये मॉडल हो गया तो एक तरह से ट्रेंड और सीजनैलिटी डेटा से हट गया डेटा से हट गया तो प्रोबेबली आपकी सीरीज क्या आएगी कोवेरियंस स्टेशनरी आएगी बट मैंने आपको बोला अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग बहुत कम केसेस में वर्क करता है दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच ऑफ मेकिंग द सीरीज स्टेशनरी राइट तो हम लोग देखेंगे कौन से स्पेशल सिचुएशन में डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग वर्क करता है तो क्या लिखा है मैंने लीनियर एंड लॉग लीनियर रिग्रेशन फॉर ट्रेंड डमी वेरिएबल रिग्रेशन फॉर सीजनलिटी यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक सबको क्लियर है ओके okay. आगे चलते हैं दूसरा तरीका है आप डिफरेंसिंग कर लो आप डिफरेंसिंग कर लो तो यू कैन डू ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग यू कैन डू ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग डिफरेंसिंग का मतलब क्या है ट्रेंड डिफरेंसिंग का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है यू जस्ट फाइंड आउट द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डोंट यूज द लेवल्स जस्ट फाइंड आउट द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइट काफी बारी लेवल्स इंक्रीजिंग होते हैं बट चेंज तो कॉन्स्टेंट ही होगा ना अगर मैं जीडीपी की बात करूं जीडीपी इंक्रीजिंग हो सकता है बट जीडीपी का जो रेट ऑफ चेंज है क्या वो इंक्रीजिंग होगा क्या जीडीपी का ग्रोथ रेट कभी दो परसेंट कभी चार परसेंट कभी आठ परसेंट कभी बारह कभी सोलह कभी बीस परसेंट कभी तीस परसेंट ऐसे होता है नहीं तो बेस्ट तरीका है कि आप चेंज निकाल लो आप चेंज निकाल लो दिस इज कॉल्ड डिफरेंसिंग डिफरेंसिंग मतलब डी वाई टी अगर ये मेरा वाई है तो मैं डी वाई टी निकाल रहा हूँ काफी बारी चेंज इन वाइटी करने से आपका सीरीज क्या हो जाता है स्टेशनरी हो जाता है जैसे मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया कि अगर जी है तो जीडीपी नो डाउट एप्सोलूट वैल्यूज उसका हमेशा इंक्रीज होगा बट अगर मैं चेंज इन जीडीपी लूंगा तो वो आपको मोरोलेस कॉन्स्टेंट दिखेगा वो आपको मोरोलेस कॉन्स्टेंट दिखेगा तो इसीलिए हम लोग डिफरेंसिंग करते हैं वी कैन आइदर डू ट्रेंड डिफरेंसिंग और वी कैन डू सीजनल वो हम देखेंगे या तो डी ट्रेंड एंड डी सीजनलाइज कर लो या डिफरेंसिंग कर लो मैंने आपको बताया कि डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कुछ स्पेशल सरकमस्टांसिस में ही वर्क करता है हमेशा इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा बट डिफरेंसिंग जो है वो हमेशा बहुत अच्छा वर्क करेगा तो वी विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिजॉर्ट टू डिफरेंसिंग अप्रोच ठीक है जो भी आपने तरीका यूज किया उससे आपका सीरीज क्या आ जाएगा को वेरियंस स्टेशनरी आ जाएगा को वेरियंस स्टेशनरी आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है ये मैं समझाऊंगा राइट right? मैंने आपको डिफरेंसिंग का एक सिंपल मतलब बोला डिफरेंसिंग मतलब चेंज चेंज निकाल लो राइट right? आपको दिखेगा कि आपका चेंज जो चेंज सीरीज है दैट इज स्टेशनरी राइट ओके, okay. सो so, पहला स्टेप मेरे पास टाइम सीरीज में तीन तरह के पैटर्न्स है ट्रेंड सीजनैलिटी साइक्लिकलिटी मैंने मन में बायस बनाया कि मैं सबसे पहले साइकिल्स को मॉडल करूंगा साइकिल्स को मॉडल करते वक्त ट्रेंड और सीजनेलिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इसका टेक्निकल मीनिंग है सीरीज को स्टेशनरी होनी चाहिए सीरीज को स्टेशनरी अगर नहीं है इसका मतलब ट्रेंड और सीजनैलिटी प्रेजेंट है तो अगर आपको साइकिल्स को मॉडल करना है तो पहले आपको वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाना होगा वो ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाने के दो तरीके हैं यू कैन आइदर डू डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग और यू कैन डू डिफरेंसिंग ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग राइट डी ट्रेंडिंग का मतलब है टाइम के साथ रिग्रेस करना राइट डी सीजनलाइजिंग का मतलब है डमी वेरिएबल रिग्रेशन करना राइट और डिफरेंसिंग का मतलब है चेंज निकालना यू कैन फाइंड आउट ट्रेंड डिफरेंसिंग और यू कैन फाइंड आउट सीजनल डिफरेंसिंग उससे क्या होगा आप जो भी रिजॉर्ट यूज करो आपका सीरीज क्या आ जाएगा कोवेरियंस स्टेशनरी सीरीज क्या आ जाएगा कोवेरियंस स्टेशनरी याद तो डायरेक्टली आपका सीरीज कोवेरियंस स्टेशनरी होगा जैसे मेरे वाले केस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने क्या कमेंट किया कि वो स्टेशनरी है अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो आपको इस रूट से घूम के आना होगा राइट स्टेशनरी होने के बाद अब आप साइकिल्स को मॉडल करोगे साइकल्स का मतलब क्या है प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट बेसिकली साइकिल्स को मॉडल करने के लिए आप तीन तरह के मॉडल बना सकते हो वन इज ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स और वन इज ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल्स राइट तीन तरह के मॉडल्स हो सकते हैं खाली ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स खाली मूविंग एवरेज मॉडल्स या ऑटोरिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल्स राइट बात और ये आपको मॉडल को सेलेक्ट करना है ये मॉडल को सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ हमने सीरीज को स्टेशनरी किया या वो स्टेशनरी था। उसके बाद अब साइकिल्स को मॉडल करना है तो साइकिल्स को मॉडल करने के लिए वी बिल्ड अर्मा मॉडल्स रिग्रेशन मूविंग एवरेज राइट नाउ ऑटो रिग्रेशन का मतलब क्या है रिग्रेसिंग अवेरिएद इट्स ओन लैक्ड वैल्यूज रिग्रेसिंग अवेरियबल विद इट्स ओन वैल्यूज इन द पास फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल इक्वेशन आपको बता रहा हूं नेक्स्ट क्लास डिटेल नोट भी दिखाऊंगा सपोज आई एम सेल्स टूडे इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स इन द लास्ट मंथ तो यू आर सेक्वल टू बी जीरो विच इज इंटरसेप्ट प्लस बी वन Yt -1. Yt is equal to yt, मतलब जो भी मेरा वेरिएबल है y, ठीक है एट टाइम टी इज इक्वल टू आई एम से मंथली डेटा लेके चल रहा हूं तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सेल्स टुडे इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स इन द लास्ट मंथ राइट सेल्स टुडे इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स इन द लास्ट मंथ Is this logical? क्या आपको लॉजिकल लग रहा है कि आज का सेल्स अगर मुझे मॉडल करना है तो कहीं ना कहीं आई कैन सी द लास्ट मंथ सेल्स एंड उसके बेसिस पे मॉडल कर सकता हूं क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा लॉजिकल लग रहा है ऑटोमेटिकली साइक्लिकल बिहेवियर तो होता ही है काफी वेरिएबल्स में आपको दिखेगा पिछले मंथ के सेल्स के आसपास ही आपका सेल्स होने वाला है तो पिछले मंथ का सेल्स को देख के आप आज का सेल्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कर सकते हो राइट तो ऑटो रिग्रेशन नाम से पता लग रहा है ऑटो रिग्रेशन अभी तक हम लोग रिग्रेशन कर रहे थे जिसमें वाई को एक्स के साथ रिग्रेस कर रहे थे अब मैं बोल रहा हूं ऑटो रिग्रेशन मॉडल रिग्रेसिंग अ वेरिएबल विद इट्स ओन पास्ट वैल्यू रिग्रेसिंग अ वेरिएबल विद इट्स ओन पास्ट वैल्यू राइट दिस इज कॉल्ड ऑटो रिग्रेशन नाउ ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स में एक कंसेप्ट होता है लैग का और ऑर्डर का लैग और ऑर्डर वो समझते हैं ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर वन मींस आप बोल रहे हो आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन वन लैग प्रीवियस राइट आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन लास्ट मंथ सेल्स ऑर्डर वन मतलब आप एक लैग लेके चल रहे हो वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी माइनस वन राइट right. आप एक ही लैग लेके चल रहे हो ना वाई टी माइनस वन मतलब प्रीवियस सेल्स प्रीवियस पीरियड सेल्स प्रीवियस मंथ सेल्स अगर मैं मंथली डेटा लेके चल रहा हूं तो तो आई एम टेकिंग ओनली लैग वन आई एम टेकिंग ओनली लैग वन दिस मॉडल इज ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर वन दिस मॉडल इज ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर वन ये सारा रिटर्न नोट्स में आपको मिल जाएगा सिंस आज तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तो मैं आपको कुछ नोट्स नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ माइंड मैप दिखा रहा हूं ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर वन मतलब क्या जो आपका आज का सेल्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस मंथ सेल्स राइट वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन लैग वन पे डिपेंडेंट है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर वन दूसरा मॉडल बोल रहा हूं आज का सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस मंथ सेल्स एंड सेल्स टू मंथ्स बिफोर आज का सेल्स ज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस मंथ सेल्स एंड सेल्स टू मंथ बिफोर कहने का मतलब है वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी माइनस वन प्लस बी टू वाई टी माइनस टू मैंने कितने लैग्स यूज किए रिप्लाई करो प्लीज मैंने कितने लैग्स यूज किए मैंने कितने लैग्स यूज किए दो लैग्स यूज किए लास्ट मंथ एंड दो महीना पहले राइट दो लैग्स यूज किए इसको बोलते हैं ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर टू ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर टू सिमिलरली अगर आप ले रहे हो ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर थ्री तो उसमें आप लास्ट मंथ सेल्स को लोगे टू मंथ्स बिफोर का सेल्स एंड थ्री मंथ्स बिफोर का सेल्स राइट वो तो आपके डेटा में जिस तरह के पैटर्न होंगे उतने लैग्स को आप इंक्लूड करोगे बट ऑर्डर का मतलब क्या ऑर्डर टू का मतलब ये नहीं है सिर्फ लैग टू ऑर्डर टू का मतलब है लैग वन एंड लैग टू ऑर्डर थ्री का मतलब है लैग वन एंड लैग टू एंड लैग थ्री राइट दिस इज कॉल्ड ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑटो रिग्रेशन मॉडल क्यों वर्क करते हैं उसका हम लोग कुछ इंट्यूशन भी समझेंगे आने वाले क्लासेस में बट अभी आप सिंपल समझो कि काफी सारे वेरिएबल्स में एक साइक्लिकल बिहेवियर होता है या यू कैन से परसिस्टेंस टाइम सीरीज टेंट टू परसिस्ट अराउंड द करंट लेवल तो जो करंट लेवल था मतलब जो प्रीवियस मंथ सेल्स था उसको देख के आप आज का सेल्स या आने वाले सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो दैट इज द प्रीमाइसिस बिहाइंड ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स कैन बी ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री एंड सो ऑन ऑर्डर वन मीन्स आप सिर्फ एक लैग को लेके चल रहे हो आप रिग्रेशन कर रहे हो विद इट्स प्रीवियस वैल्यू लैग वन या आप दो लैक्स को अगर लेके चलते हो तो इट इज ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर टू अगर आप तीन लैक्स को लेके चलते हो इट इज ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर थ्री राइट एंड सो ऑन दूसरा है मूविंग एवरेज मॉडल मूविंग एवरेज मॉडल देखो अभी तक जो मैंने जितने भी मॉडल्स बोले सपोज मैं मॉडल बना रहा हूं वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी माइनस वन मतलब सेल्स सेल्स एट टाइम टी इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स एट टाइम टी माइनस वन जब मैं ये मॉडल फिट करूंगा तो क्या आप एक्चुअल को मिमिक कर पाओगे या कुछ ना कुछ एरर रहेगा मॉडल में क्या आप एक्चुअल को मिमिक कर पाओगे या मॉडल में कुछ ना कुछ एरर रहने वाला है रहने वाला है एरर तो हमेशा आएगा ही बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग ऑल द वेरिएबल्स जो एक वाई को एक्सप्लेन करने में आ सकते हैं राइट right? तो इस केस में आपका एग्जैक्ट इक्वेशन क्या हुआ एग्जैक्ट इक्वेशन इज वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी माइनस वन प्लस इटी इटी मतलब तो रहेगा ही बिकॉज आप हंड्रेड परसेंट एक्चुअल वैल्यूज़ को मिमिक थोड़ा ना कर सकते हो आप जितना मर्जी अच्छा मॉडल बना लो आपका कुछ ना कुछ एरर टर्म तो रहेगा ही तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वाई की दैट इज अ फंक्शन ऑफ नो डाउट द लैगिड वैल्यू लैग वन बट वो हंड्रेड परसेंट वाई को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एंड कुछ एर रहेगा तो वापस से इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं प्लस एर जो आपकी एक्चुअल सेल्स होगी ना इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस सेल्स प्लस कुछ एर टर्म है जो कॉम्पोनेंट आपने मॉडल में नहीं लिया एर का मतलब क्या होता है कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं जो आपने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं जिसको आपने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया आपने सिर्फ कौन सा वेरिएबल इंक्लूड किया कि हाँ आज का सेल्स विल डिपेंड ऑन लास्ट मंथ का सेल्स राइट मूविंग एवरेज क्या करता है मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर वन का इक्वेशन सुनो मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर वन का इक्वेशन वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन ई टी माइनस वन वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन ई टी माइनस वन ई टी क्या था एरर टर्म मैं क्या बोल रहा हूं वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन ई टी माइनस वन अगर मैंने सपोज मॉडल बनाया है वाई इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी माइनस वन तो मैं क्या बोल रहा हूँ सेल्स डिपेंड ऑन प्रीवियस सेल्स बट ये हंड्रेड परसेंट सेल्स को एक्सप्लेन नहीं करेगा कुछ चीजें जो हमने मॉडल में कैप्चर नहीं किया वो एर में चला गया राइट सपोज सपोज टर्म में एक वेरिएबल है डिस्काउंट कूपन के कारण क्या सेल होता है कि नहीं होता होता है बट क्या मैंने डिस्काउंट कूपन को मॉडल में इंक्लूड किया क्या मैंने डिस्काउंट कूपन को मॉडल में इंक्लूड किया नहीं मैंने तो प्रीवियस सेल्स को मॉडल में इंक्लूड किया तो अगर मैं सपोज मूविंग एवरेज मॉडल बना रहा हूं वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन ई टी माइनस वन ई टी माइनस वन मतलब क्या एरर टर्म ऑफ लैग वन राइट एरर टर्म लैग वन इसका मतलब पिछले महीने मैंने कुछ डिस्काउंट दिए थे डिस्काउंट के बोल रहा हूं मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूं जो चीजें आपने मॉडल में नहीं ली वो आपकी एरर टर्म में घुसी हुई है अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि प्रीवियस मंथ के एर टर्म के बेसिस पे आप आज का सेल्स एक्सप्लेन कर पा रहे हो प्रीवियस मंथ के एर टर्म के बेसिस पे आप आज का सेल्स एक्सप्लेन कर पा रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई वेरिएबल छुपा बैठा है एरर टर्म में जो आज की सेल्स को ड्राइव करता है राइट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला चला के डिस्काउंट कूपन आपने लास्ट मंथ कुछ डिस्काउंट कूपन दिए थे तो लोग तो इस महीने में आके उसको यूज करेंगे ना राइट right. पिछले महीने कोई डिस्काउंट कूपन दिए थे उसका इफेक्ट अब आएगा सेल्स में तो अगर मैं मॉडल बना रहा हूं बी जीरो प्लस बी वन ईटी माइनस वन इसका मतलब मैं बोल रहा हूं प्रीवियस मंथ के के एरर टर्म बेसिस पे आप आज का सेल्स एक्सप्लेन कर सकते हो इसका मतलब प्रीवियस मंथ के डिस्काउंट कूपन जो आपने दिए थे उसके बेसिस पे आप आज का सेल्स मॉडल कर सकते हो फेयर इनफ इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर वन क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज मॉडल ऑफ ऑर्डर वन ये सब तरह के पैटर्न आपको डेटा में दिखेंगे अगर आपको दिखता है कि सेल्स ओनली डिपेंड ऑन प्रीवियस सेल्स तो आप मूविंग एवरेज टर्म को लोगे ही नहीं आप सिर्फ ऑटो रिग्रेशन मॉडल फिट करोगे आपको दिखता है सेल्स डिपेंड ऑन प्रीवियस एरर टर्म तो आप सिर्फ मूविंग एवरेज मॉडल को डेवलप करोगे आपको दिखता है सेल्स डिपेंड ऑन प्रीवियस सेल्स एज वेल एज प्रीवियस एर टर्म ये किस तरह का मॉडल हुआ इसमें ऑटो रिग्रेशन टर्म भी घुसा हुआ है इसमें मूविंग एवरेज टर्म भी घुसा हुआ है इसको बोलते हैं मॉडल्स मॉडल्स क्या बोलते हैं ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज राइट ये मत समझना मैंने ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज खत्म कर दिया अभी तो मैंने स्टार्ट किया है मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि ऑटो रिग्रेशन का इंट्यूशन क्या है मूविंग एवरेज का इंट्यूशन क्या है तो ऑटो रिग्रेशन में वी आर रिग्रेसिंग with its own value in the past sales depend on last month sales or sales two months before or sales three months before and so on and moving average ka matlab hai sales depend on previous error term wo previous error term mein kuch aisa ghusa hua hai jo aaj ki sales ko explain karta hai right. वो क्या गुस्सा हुआ वो आपको समझ नहीं आएगा but मैंने example दिया कि suppose discount coupon आपने दिए थे discount coupon आपने दिए थे अब वो आपको uh, previous sales में तो दिखेगा नहीं

राइट नाउ रियल लाइफ में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे ए आर मॉडल का ऑर्डर क्या होना चाहिए या हमारे एम ए मॉडल का ऑर्डर क्या होना चाहिए या हमारा अर्मा मॉडल का ऑर्डर क्या होना चाहिए राइट right? उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या ऑर्डर लेना है राइट right? एंड उसके लिए हम लोग यूज करेंगे समथिंग कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अभी एक बारी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पे फोकस करते हैं ऑटो ऑटो रिग्रेशन का मतलब क्या था रिग्रेसिंग अवेरिएबल विद इट्स ओन वैल्यू इन द पास्ट ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होगा कोरिलेशन विद विद इट्स ओन वैल्यू इन द पास्ट राइट तो हम लोग अलग अलग लैग्स पे ऑटो कोरिलेशन को प्लॉट करते हैं एंड उसको देख के जज कर सकते हैं कि हमारा ए मॉडल का ऑर्डर क्या होगा सर कैसे जज कर सकते हैं वो एडवांस्ड स्टफ है उसको मैं डिस्कस करूंगा बट हम लोगों को बात क्या चल रही है बात ये चल रही है कोई ना कोई मॉडल चूज करना होगा ऑप्शंस बहुत सारे हैं आप ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर वन यूज करो या ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर टू यूज करो या ए आर ऑफ ऑर्डर थ्री यूज करो या एम ए ऑफ वन यूज करो एम ए ऑफ टू यूज करो एम ए थ्री यूज करो या अर्मा वन वन यूज करो आरमा वन टू यूज करो अर्मा टू वन यूज करो अर्मा थ्री थ्री यूज करो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना तो एक्जैक्टली exactly क्या कॉम्बिनेशन हमें यूज करना चाहिए जिससे हमारा मॉडल एक्यूरेट आए तो उस केस में वी कैन प्लॉट समथिंग कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन नाम से पता लग रहा है ऑटो कोरिलेशन ऑटो मतलब खुद का खुद के साथ कोरिलेशन निकालने के लिए दो कॉलम्स चाहिए तो एक तो खुद हो एक प्रीवियस वैल्यू लैग वैल्यू तो लैग्ड वैल्यूज के साथ आप ऑटो कोरिलेशन को निकालोगे एंड उसको प्लॉट करके आप जज कर सकते हो आपका ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज का ऑर्डर क्या होगा राइट एंड मॉडल सिलेक्शन करने के लिए आपके पास एक और क्राइटेरिया होता है विच इज अके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया एंड बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया बेसिकली ये जो दोनों क्राइटेरियाज है ये क्या करते हैं एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करते हैं कंप्लेक्सिटी को पिनलाइज करते हैं राइट right. अगर आप एक ए मॉडल बना रहे हो ऑफ ऑर्डर वन उसमें एक ही बीटा वन होगा अगर आप बना रहे हो ए मॉडल ऑफ ऑर्डर टू तो उसमें बीटा वन बीटा टू दो होंगे राइट right. तो आपके कोई इंक्रीज हो गए ना एंड हम लोग कैसे मॉडल्स प्रेफर करते हैं पार्सिमोनियस मॉडल्स जो कि सिंपल हो जिसमें ज्यादा कोई इफिशियंस ना हो राइट right? तो ये जो ए और बी है दिस इज कॉल्ड अकेके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया ये क्या करेगा कंप्लेक्सिटी को पिनलाइज करेगा एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करेगा सर क्या ये एडजस्टेड आर स्कोर की तरह है एक्सीलेंट ये बिल्कुल एडजस्टेड आर स्कोर की तरह है एडजस्टेड आर स्कोर भी क्या करता है एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करता है कंप्लेक्सिटी को पेनालाइज करता है तो हम लोग अलग अलग मॉडल्स के ए को निकालेंगे एंड उसके बेसिस पे चूज कर सकते हैं कौन सा मॉडल बेस्ट है राइट right? इज that क्लियर तो हमें मॉडल सिलेक्शन करना है मॉडल सिलेक्शन का मतलब ऑर्डर चूज करना चाहिए एमए का ऑर्डर क्या होना चाहिए या आरमा का ऑर्डर क्या होना चाहिए इज दैट क्लियर लेट मी शो यू माई डेटा सेट यहां पर मेरे पास डेटा सेट था अनएंप्लॉयमेंट रेट का मैंने उसका मीन प्लॉट किया और उसका वेरियंस प्लॉट किया तो हमें मोटा मोटी स्टेशनरी मिला मैं डिक्की फ्यूलर टेस्ट करूंगा क्या 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 होता है हम समझेंगे टेस्ट ने भी मुझे मुझे किया कि the series is covariance stationary. तो क्या मुझे वो डी ट्रेंडिंग डी सीजनलाइजिंग या डिफरेंसिंग करने का जरूरत है द आंसर इज नो मैं सीधा फ्लो चार्ट में कहा पर हूँ यस मेरा सीरीज को स्टेशनरी है मुझे सीधा मॉडल डेवलप करना है मॉडल डेवलप करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को प्लॉट करूंगा राइट जैसे यहां पर देखो मेरा सीरीज था क्या अनुप्लॉयमेंट रेट का यहां मेरा सीरीज है अनुप्लॉयमेंट रेट का सेम 1.1c3, तो मैंने 1.1c3 से वैल्यूज कॉपी कर दिया सारा राइट 1.1c3, मेरे पास अनुप्लॉयमेंट रेट का कॉलम आ गया इसका लैग वन क्या होगा इसका लैग वन इज प्रीवियस वैल्यू राइट ग वन इज प्रीवियस वैल्यू तो थ्री पॉइंट एट के लिए लाग वन क्या है थ्री पॉइंट फोर फोर के लिए लाग वन क्या है थ्री पॉइंट एट सिमिलरली लाग टू लाग टू का मतलब क्या फोर के लिए लाग टू क्या है मतलब अगर मैं बोल रहा हूं अनएंप्लॉयमेंट रेट इज अ फंक्शन ऑफ अनुप्लॉयमेंट रेट टू मंथ बिफोर इट इज थ्री पॉइंट फोर राइट ऐसे करके मैं लाग वन लाग टू लैग थ्री आइडेंटिफाई कर सकता हूं बहुत ईजी है लैग क्या होगा इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन लैग टू क्या होगा इक्वल टू इसका प्रीवियस कर लो या ओरिजिनल में लैग टू कर लो बात एक ही है सपोज प्रीवियस का प्रीवियस कर लेते हैं राइट दिस इज लैग टू सिमिलरली लैग थ्री क्या होगा दिस इज लैग थ्री सिमिलरली लैग फोर क्या होगा दिस इज लैग फोर

उसके सामने लैग वन क्या होगा फेबर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लैग टू क्या होगा जनवरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मेरा अप्रैल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये अप्रैल का का था ना तो उसके सामने मार्च अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लैग वन फेब का इज लैग टू जनवरी का इज लैग थ्री मतलब थ्री मंथ्स बिफोर क्या था, था अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसके बाद मैंने क्या किया सिंपल कोरिलेशन निकाल लिया सिंपल कोरिलेशन इसका और इसका कोरिलेशन सिमिलरली इसका और इसका कोरिलेशन सर क्या आप ये सिखाएंगे कैसे पूरा निकालते हैं पूरा सिखाऊंगा अभी मैं आपको सिर्फ आज वॉक थ्रू दे रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं एक एक चीज आपको सिखाने वाला हूं पूरा कैसे निकलेगा ये सिमिलरली लैग थ्री के साथ अगर कोरिलेशन निकालना है तो इसका और इसका कोरिलेशन निकाल लेंगे सिमिलरली लैग फोर का निकालना है तो इसका और इसका निकाल लेंगे सिमिलरली लैग फाइव का निकालना है तो इसका और इसका निकाल लेंगे ऐसे कोरिलेशन मैंने प्लॉट कर दिया कोरलेशन प्लॉट कर दिया आपको यहां पर ऑटो कोरलेशन का प्लॉट दिख रहा है ऑटो कोरलेशन का प्लॉट राइट right? इस प्लॉट को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल सबसे सही है कुछ रूल्स हैं जो आपको बताएंगे कि एसीएफ अगर ऐसा दिखता है तो आपका ऑर्डर ये होना चाहिए पीएससीएफ अगर ऐसा दिखता है पीएससीएफ मतलब पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये पार्शियल का मतलब क्या है वो समझेंगे बट जो भी प्लॉट दिखता है ऐसे प्लॉट में आपका ऑर्डर ये होना चाहिए वैसे प्लॉट में आपका ऑर्डर ये होना चाहिए राइट दिस इज वट यू यू विल गेट आफ्टर प्लॉटिंग द एसीएफ एंड पी एसीएफ फॉर एग्जाम्पल मुझे जो अभी प्लॉट मिला है उसका एक रूल था कि अगर ऐसा प्लॉट आएगा तो आपको ए आर मॉडल फिट करना है ऑफ ऑर्डर वन आपको ए आर मॉडल फिट करना है ऑफ ऑर्डर वन सर कैसे आया कैसे आया वो डिस्कस करेंगे बट मैंने एसीएफ और पी को प्लॉट करके मॉडल सेलेक्ट कर लिया कौन सा ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर ठीक है? मॉडल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हो गया आप वाई को रिग्रेस करोगे वाई टी माइनस वन के साथ वाई टी को रिग्रेस करोगे वाई टी माइनस वन के साथ दिस इज वाई टी माइनस वन दिस इज वाई टी जो आपकी ओरिजिनल सीरीज थी उसको मैं बोल रहा हूं वाई टी राइट एंड right. उसका जो लैग वन वैल्यूज होगा वो मेरा क्या है वाई टी माइनस वन तो लैग वन वैल्यूज इक्वल टू सिंपली प्रीवियस वैल्यू राइट इसको बी वाई टी भी बोलते हैं बी वाई टी मतलब बैकशिफ्ट बैकशिफ्ट राइट बी का पावर क्या है वन अगर मैं बी वाई टी लिख रहा हूं तो बी का पावर इज वन इसका मतलब वन लैग वाई टी का एक लैग इज कॉल्ड बी वाई टी सर अभी आपने कुछ डीवाईटी भी बोला था डीवाईटी होता है चेंज इन वाईटी मैंने बोला था ना कि चेंज को निकाल लो डिफरेंसिंग मतलब चेंज राइट उसको बोलते हैं डीवाईटी डीवाईटी मतलब चेंज डिफरेंस मतलब बैकशिफ्ट एक लैग पीछे जाना है राइट बी वाई टी या वाई टी माइनस वन बोल लो ये सारे नोटेशन हम लोग करेंगे ये आपके सिलेबस में गिवन है तो वी हैव वाई टी वी मैं वाई टी को बी वाई टी के साथ रिग्रेस कर सकता हूं क्या मैं वाई टी को YT -1 के साथ रिग्रेस कर सकता हूं यस yes, वही तो बात चल रही थी बात क्या थी बात थी कि आपका जो मॉडल आ रहा है सही वो आ रहा है ए आर वन ए आर वन का मतलब क्या होता है आपको खुद के साथ रिग्रेस करना है एंड कितने लैक्स तक जाना है वन लैक तक बिकॉज ऑर्डर कितना आया है वन तो लेट मी बिल्ड द मॉडल फॉर यू मैं ये मॉडल आपको बिल्ड करके दिखाता हूं कंट्रोल सी लेट मी गो टू अ न्यू शीट राइट right. मेरे मेरे पास YT है, मेरे पास है है मैं डेटा में जाऊंगा मैं डेटा एनालिसिस में जाऊंगा मैं रिग्रेशन में जाऊंगा मेरा इनपुट वाई रेंज क्या होगा ऑब्वियसली आई कैन नॉट चूज फ्रॉम हेयर बिकॉज वाई और एक्स जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए मतलब अगर आप वाई यहां से चूज कर लोगे और x यहां से चूज करो ये करोगे एक तरह से x ही है ना आपका डिग्रेशन में अगर आप इक्वेशन बना रहे हो वाई टी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन वाई टी माइनस वन तो x क्या हो गया दिस इज योर x ना x में तो एक वैल्यू आपकी लॉस्ट हो रही है बिकॉज आप लैग वन लेके चल रहे हो तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर डेटा फ्रॉम हेयर बिकॉज इस केस में यहां पे डेटा नहीं है तो so उस केस में यू हैव टू स्टार्ट योर डेटा फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट ये मेरा y हो गया दिस इज माई वाई वट इज माई एक्स दिस इज माई एक्स वन सेकेंड ठीक है तो मेरे पास y आ गया b5 फाइव टू बी नाइन और मेरे पास x आ गया c5 फाइव टू सी नाइन क्या मेरे डेटा में लेबल्स हैं जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है क्या वो लेबल है द आंसर इज नो वो हेडिंग नहीं है तो मैं लेबल्स को टिक नहीं कर रहा आउटपुट हम लोगों ने देखा था रिग्रेशन में हमारे तीन टेबल्स आते हैं रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स एनोवा एंड तीसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग राइट तो आउटपुट में मेंशन कर रहा हूं सपोज आई वांट द आउटपुट इन एच थ्री आई वांट द आउटपुट इन एच थ्री राइट नाउ क्लिक ऑन ओके आपने वाई ले लिया विच इज योर वाई टी आपने एक्स ले लिया विच इज योर बी वाई टी मतलब वाई टी माइनस वन तो आप ए आर वन मॉडल फिट कर रहे हो ए आर वन मॉडल ओके ओके मेरा मॉडल आ गया राइट ना हो मॉडल का आर स्क्वायर कितना है नाइनटी फोर परसेंट इज इट गुड और नॉट इज इट गुड और नॉट इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड 94% फोर परसेंट इज द आर स्क्वायर राइट तो मेरा इक्वेशन क्या बना इक्वेशन बना वाई टी इज इक्वल टू पॉइंट वन सेवन फाइव फोर फोर फाइव प्लस पॉइंट नाइन सिक्स नाइन फोर सिक्स सिक्स एन टू वाई टी माइनस वन यही इक्वेशन बना यस और नो दिस इज योर ए आर वन मॉडल दिस इज योर ए आर वन मॉडल ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर वन मतलब आप बोलना चाह रहे हो प्रीवियस मंथ में जितना सेल्स था नाइंटी सिक्स परसेंट सेल्स वो करंट मंथ में भी होगा राइट प्रीवियस मंथ में जो अनएंप्लॉयमेंट रेट था राइट पॉइंट नाइन सिक्स ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टूडे ऑब्वियसली वी हैव टू एड इंटरसेप्ट एज वेल राइट right? तो अगर मैं यहां पे फिटेड वाई निकालना चाहूं फिटेड वाई विल बी इक्वल टू माय इंटरसेप्ट आई एम फ्रीजिंग इट प्लस माय स्लोप को इफिशियंट एंटो माय एक्स एक्स क्या था वाई टी माइनस वन राइट इज दिस इक्वेशन फाइन ये इक्वेशन फाइन है सबको समझ में आ रही है एंटर ये मेरा Minus is my error term. Error term तो कुछ ना कुछ रहेगा ही बिकॉज आप हंड्रेड परसेंट एक के साथ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते एक बारी प्लॉट करके देखते हैं ये मेरा एक्चुअल वाई टी था लेटमी प्लॉट दिस दिस वॉज माई ऑरिजिनल सीरीज राइट एंड इसमें ऐड करूंगा सेलेक्ट डेटा एड आई विल एड द फिटेड सीरीज कैसा आया प्लॉट देखो ओरिजिनल था ब्लू में और फिटेड है ऑरेंज में प्लॉट कैसा आया प्लॉट कैसा आया ऑलमोस्ट सेम राइट सी द प्रिडिक्शन पावर ऑफ दिस मॉडल इट्स वेरी वेरी हाई नाइंटी फोर परसेंट इज द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ दिस मॉडल तो प्लॉट तो ऐसा आना ही था मतलब आप प्रीवियस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख के आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रिडिक्ट कर सकते हो राइट right? या आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख के फ्यूचर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रिडिक्ट कर सकते हो तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट टीम होती है कंपनीज के अंदर उसको मैफ बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट राइट वो जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट है वो क्या करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का फोरकास्ट आपको प्रोवाइड करते हैं कि जीडीपी कितना रहने वाला है अन रेट कितना रहने वाला है इन्फ्लेशन रेट कितना रहने वाला है वो माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट कैसे निकालते हैं बेस्ड ऑन टाइम सीरीज एनालिसिस तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आपके लिए टाइम सीरीज मॉडलिंग का बेस्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्योंकि वहां आप डायरेक्टली देखोगे कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट का जरूरत पड़ता ही है अलग अलग तरह के मॉडल्स में आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है तो स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए आप देखते हो कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को पहले फोरकास्ट करना होगा ना तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को फोरकास्ट ही तो यहां पर कर रहे हैं हम लोग बाई डूइंग दिस टाइम सीरीज एनालिसिस इज दिस क्लियर फिटेड वाईटी कैसे बना वाईटी इज द रिग्रेशन मॉडल बी जीरो प्लस बी वन इंटू वाई टी माइनस वन सिंपल बी जीरो प्लस बी वन इंटू वाई टी माइनस वन राइट जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं प्लीज क्लोज योर वीडियोज अर्जुन आप लोग सुनते नहीं हो जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं वहां पर अगर आप स्ट्रेस टेस्टिंग सीखते हो या स्वीकार करते हो

तो बाय डिजाइन आपका सम ऑफ टर्म क्या आएगा जीरो आएगा राइट right? और टर्म का वेरियंस निकाल सकता हूं मैं error term का variance, error term का variance निकाल देते हैं सपोज टर्म का .p. .p यूज क्या बताऊंगा आपको वेरियंस ऑफ टर्म ले रहा हूं तो आ गया पॉइंट वन सेवन थ्री टू नाइन नाइन दिस इज स्क्वायर स्क्स ऑफ टर्म तो मैंने क्या बोला अब मेरा फ्लो कनेक्ट हो गया है कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आप साइकिल्स को मॉडल कर रहे हो आपको अलग अलग तरह के पैटर्न्स को मॉडल करना है बट आप आप सबसे पहले बायस क्रिएट करोगे कि आप को 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 मॉडल मॉडल कर रहे हो को करने के लिए आपको ट्रेंड और को हटाना है बिकॉज हर एक कॉम्पोनेट को अलग अलग मॉडल करना है टेक्निकली उसको हम बोलते हैं कि सीरीज आपकी कोवेरियंस स्टेशनरी होनी चाहिए अगर सीरीज को स्टेशनरी नहीं है तो आपको उसको स्टेशनरी करना पड़ेगा बाय आइदर डिफरेंसिंग ट्रेंड डिफरेंसिंग एंड सीजनल डिफरेंसिंग डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग राइट उससे आपका सीरीज कोवेरियंस स्टेशनरी आ जाएगा मेरे वाले केस में सीरीज ऑटोमेटिकली कोवेरियंस स्टेशनरी था तो मैं सीधा ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल फिट कर सकता हूं ऑटो रिग्रेशन का मतलब है रिग्रेसिंग अ वेरिएबल विद इट्स ओन वैल्यू इन द पास्ट यू कैन हैव ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री एंड सो ऑन

ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं हम लोग ऑटो कोरिलेशन अलग अलग लैग्स के साथ कोरिलेशन निकालेंगे एंड वो जो प्लॉट का शेप आएगा प्लॉट का बिहेवियर आएगा उसको देख के कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ए आर का ऑर्डर क्या होना चाहिए एम ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए राइट right? अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं एक ए आर मॉडल ऑफ ऑर्डर वन भी है आर मॉडल ऑफ ऑर्डर टू भी है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा मॉडल चूज करना है तो उस केस में यू कैन यूज यूजन क्राइटेरिया एंड बेजन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया ये दोनों क्या करते हैं एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करते हैं को पिनलाइज करते हैं right. राइट उसके बाद जब आपका मॉडल सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप मॉडल को फिट करोगे एंड फिट करके क्या निकालोगे वाई टी एंड ई टी तो हमने वाई टी निकाला फिटेड वाई टी निकाला एंड ईटी निकाला और हमने प्लॉट देखा तो प्लॉट काफी अच्छा लग रहा है राइट right? नाउ हम लोगों ने कहा था कि रिग्रेशन में जो भी हमारा मॉडल आएगा उस मॉडल को हम चेक करते हैं फॉर फोर थिंग्स साग एस फॉर मॉडल में सिग्निफिकेंस ए फॉर एक्यूरेसी ए फॉर एडिक्वेसी जी फॉर जनरलाइजेशन हम लोग किसी भी रिग्रेशन मॉडल को चेक करते हैं फॉर फोर थिंग्स दैट इज कॉल्ड साग एस फॉर सिग्निफिकेंस ए फॉर एक्यूरेसी ए फॉर एडिक्यूसी जी फॉर जेनरलाइजेशन सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है आपके जो आए हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए मुझे बताओ यहां पर जो मेरा वेरिएबल uh, था वाई टी माइनस वन उसका जो कोइफिशियंट आया उसका पी वैल्यू जीरो आया है तो इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट येस बिकॉज़ पी वैल्यू अगर से कम है पांच परसेंट से कम है इसका मतलब आपके के लिए और क्या मैट्रिक्स है वो हम देखेंगे आप मीन स्क्ड रेजिडल को देख सकते हो मीन स्क्ट एरर राइट तो बहुत सारे मैट्रिक्स को आप देख सकते हो एक्यूरेसी को जज करने के लिए यहां पर अभी आप सोचो कि आपके मॉडल का जो प्लॉट आया है वो बहुत अच्छा आया है और आपका आर स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी हाई 94 परसेंट सो मॉडल एक्यूरेट भी है तीसरा है ए फॉर एडिक्वेसी एडिक्वेसी का मतलब क्या था मॉडल एजम्पन्स को फुलफिल करना चाहिए मॉडल एजम्पन को फुलफिल करना चाहिए कौन से एजम्पन होते हैं अभी उसको देखेंगे एंड जी फॉर जेनरलाइजेशन जी फॉर जेनरलाइजेशन तो क्या है साग एस ए जी एस फॉर सिग्निफिकेंस ए फॉर एक फॉर एडिक्यूसी जी फॉर जनरलाइजेशन जेनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडल इन जनरल वर्क करना चाहिए ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर सैंपल डेटा पे अच्छा वर्क कर गया तो उस केस में जेनरलाइजेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग वेलिडेशन सेट पे मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं मतलब हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे अलग डेटा सेट पे और उसको टेस्ट करेंगे अलग डेटा सेट पे एंड देन देखेंगे टेस्ट सेट पे मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है तो वो सारी चीजें हम करेंगे अभी मैं वो करके नहीं दिखा रहा बट जनरलाइजेशन मतलब मॉडल इन जनरल अच्छा वर्क करना चाहिए राइट तो आप टेस्ट सेट पे मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करोगे क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे तो आपने ट्रेन किया है तो वहां पर तो मॉडल अच्छा वर्क करेगा ही तो हम लोग टेस्ट सेट पे चेक करेंगे मॉडल सही से वर्क कर रहा है कि नहीं राइट सो यू हैव टू चेक द मॉडल फॉर फोर थिंग्स

इन जनरल अच्छा वर्क करना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा वर्क करता है, है मॉडल है, है मतलब में कुछ एजमशन कंप्लाई होनी चाहिए देखो आपका जो मॉडल है आपने वाई को रिग्रेस किया वाई टी के साथ ऑब्वियसली कोई भी मॉडल 100% y को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो कुछ एरर टर्म रहेगा बट मुझे बताओ जब मैं एरर टर्म का प्लॉट बनाऊं क्या एरर टर्म में कुछ पैटर्न होने चाहिए शुड एर टर्म अगर आपका मॉडल सही है तो क्या एर टर्म में कुछ पैटर्न होंगे अगर आपका मॉडल सही है तो लेट मी प्लॉट दिस फॉर यू यहां पे कोई पैटर्न्स दिखे नहीं रहे अगर आपका प्लॉट सही है अगर आपने मॉडल सही से फिट किया है तो क्या एरर टर्म्स में कुछ पैटर्न होने चाहिए no. right. पैटर्न आपको, हो आपको दिख रहा है यहां पर तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा बट सपोज आपको ऐसा पैटर्न दिखता कि एरर टर्म्स इंक्रीज हो रहा है विद एक्स इसका मतलब आपने मॉडल सही से फिट ही नहीं किया राइट right. बिकॉज एक सच्चे मॉडल में एक सही मॉडल में आप सब तरह के पैटर्न मॉडल कर लोगे उसके बाद एर टर्म शुड बी प्योर नॉइज इट इज नॉन मॉडलेबल इट शुड बी नॉन मॉडलेबल वो प्योर नॉइज होनी चाहिए क्या आप नॉइज को मॉडल कर सकते हो नहीं आप पैटर्न को बिहेवियर्स को मॉडल कर सकते हो आप नॉइजी पैटर्न या नॉइजी बिहेवियर को मॉडल नहीं कर सकते नॉइजी मतलब रैंडम random. आप रैंडमनेस को थोड़ा ना मॉडल कर सकते हो राइट right? तो अगर एक मॉडल सही है अगर ये मॉडल सही है तो आपके एरड टर्म में कोई पैटर्न्स नहीं होने चाहिए उसको बोलते हैं एरड टर्म्स शुड बी वाइट नॉइस एरड टर्म्स शुड बी वाइट नॉइस राइट एरड टर्म शुड बी वाइट नॉइज नॉइज क्यों बोल रहे हैं समझ में आया ना नॉइज मतलब कोई पैटर्न है ही नहीं उसमें अगर कोई पैटर्न है तो इसका मतलब आपने मॉडल ठीक से फिट ही नहीं किया राइट right? आपने मॉडल ठीक से फिट ही नहीं किया अगर पैटर्न्स नहीं है

राइट right. हर एक टाइम पे मेरा एरर टर्म आ रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए अब इंडिपेंडेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज्शन वो चेक करना डिफिकल्ट है तो हम लोग को को चेक कर लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं एरर टर्म्स के बीच में कोई कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एरर टर्म्स के बीच में कोई को रिलेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए राइट दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस सॉफ्ट फॉर्म में अगर मैं स्ट्रिक्ट फॉर्म में देखूंगा तो इंडिपेंडेंस एंड कोरिलेशन इंडिपेंडेंस इज अपर सेट

क्या वो व्हाइट नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा व्हाइट नॉइज का मतलब कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अगर सीरियल कोरिलेशन प्रेजेंट है इसका मतलब एरर टर्म्स में कुछ कुछ पैटर्न्स है ना राइट right? अगर सीरियल कोरिलेशन प्रेजेंट है इसका मतलब टर्म्स में कुछ पैटर्न्स है फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखता है इटी इज अ फंक्शन ऑफ इटी माइनस वन ई टी इज अ फंक्शन ऑफ इटी माइनस वन इसका मतलब कोई ए आर टर्म था जो हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज ए आर में भी क्या होता है फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन राइट सपोज आपको दिखता है ईटी इज अ फंक्शन ऑफ इटी माइनस ट्वेल्व इटी इज अ फंक्शन ऑफ इटी माइनस ट्वेल्व इसका मतलब कोई एक पैटर्न है जो हमने मिस कर दिया फॉर एग्जाम्पल वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ आई टी माइनस ट्वेल्व इसको हम सीजनैलिटी बोलते हैं वाइटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस ट्वेल्व तो आप एरर टर्म्स में चेक करोगे क्या कोई सीरियल कोरिलेशन है या नहीं अगर सीरियल कोरिलेशन है इसका मतलब आपका एरर टर्म्स इज नॉट वाइट नॉइस दो कारणों से वो वाइट नॉइज नहीं होगा अगर एरर टर्म्स नॉट इंडिपेंडेंट है मतलब उनके बीच में सीरियल कोरिलेशन है तो इसका मतलब आपका मॉडल ही सही नहीं है आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन को सही करना होगा Suppose आपने एक मॉडल बनाया जिसमें आपने सिर्फ एम ए टर्म्स को इंक्लूड किया राइट एंडी माइनस वन आर वन टर्म को इंक्लूड ही नहीं किया आपको well. एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ राइट right? तो एर टर्म्स में अगर को रिलेशन है इसका मतलब आपका मॉडल गलत है आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन वापिस से चेक करना चाहिए ठीक है मैं आपको दिखाता हूं मेरे प्लॉट में मेरे प्लॉट में मैंने क्या किया था मैंने कोरिलेशन निकाला एरर टर्म का हर एक प्रीवियस लैग के साथ मैंने एरर टर्म का कोरिलेशन निकाला हर एक प्रीवियस लैग के साथ राइट right? मुझे बताओ क्या आपको कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिख रहा है इस प्लॉट में हर एक लैग के साथ क्या कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिख रहा है मतलब लैग जीरो का लैग जीरो मतलब ओरिजिनल सीरीज जो एरर टर्म की है उसका प्रीवियस वैल्यू के साथ कोरिलेशन निकाला

जो हम लोग रिग्रेशन में पढ़ के आए थे हेटरोस्केडास्टिसिटी वही यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब आपका वेरिएंस इज रॉन्ग तो आपको वो हेटरोस्केडास्टिसिटी को कंडीशनल हेटरोस्केडास्टिसिटी को मॉडल करना होगा अपने मॉडल में इंक्लूड करना होगा तो यहां पे मैंने यही लिखा है इंप्रूव योर मॉडल बाय यूजिंग गार्ज जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडास्टिसिटी

मेरा जो प्लॉट आया था टर्म का क्या उसमें आपको वेरियंस चेंजिंग विद एक्स दिख रहा है नहीं बस एक स्पाइक दिखा है क्या आपको सिस्टमेटिकली दिख रहा है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वेरियंस बढ़ रहा है नहीं स्प्रेड बढ़ रहा है नहीं अगर एक्स बढ़ रहा है तो वेरियंस गिर रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा इसका मतलब मेरा वेरियंस ऑफ एर टर्म इज कॉन्स्टेंट मतलब मैंने जो मॉडल बनाया है इज इट इज इट फाइन और नॉट यस बिकॉज मेरे एरर टर्म्स क्या आए हैं व्हाइट नॉइस माय एरर टर्म्स आर व्हाइट नॉइस यहां तक सबको क्लियर है इज इट क्लियर ओके नाउ अगर एरर टर्म्स वाइट नॉइज नहीं होते और व्हाइट नॉइज किस कारण से नहीं है नॉट इंडिपेंडेंट मतलब सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तब तो आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन ठीक करना पड़ेगा अगर आपको दिखता है कि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो आपको गार्च

फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक रेगुलेशन शायद तो वहां पर जाके आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा मिलेगा 1948 से मैंने डेटा लिया और उसके ऊपर मॉडल बनाया है राइट right? मैं बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर ही मॉडलिंग दिखाऊंगा बिकॉज वही सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर टाइम सीरीज मॉडलिंग फॉर फाइनेंस पीपल अगर टर्म वाइट नॉइज है तो आप मॉडल को यूज करेंगे फोरकास्टिंग के लिए हमें मॉडल को यूज करना है फोरकास्टिंग के लिए अल्टीमेटली मॉडल का क्या करना है हमें फोरकास्ट करना है एंड हमें एन पीरियड अहेड फोरकास्ट निकालने हैं मतलब फ्यूचर के कुछ पीरियड्स को हमें मॉडल करना है तो मैंने क्या किया है इन द लास्ट शीट मेरे पास यहां पर डेटा है ये मेरा मॉडल आया था जिसमें बीटा जीरो था बीटा वन था ये मेरा वेरिएंस ऑफ टर्म आया था यहां से चेक कर लो ये मेरा बीटा जीरो बीटा वन है जो मैंने वहां पे लिख दिया पॉइंट वन सेवन पॉइंट नाइन सिक्स मेरा वेरिएंस ऑफ टर्म आया था पॉइंट वन सेवन वही मैंने यहां पे लिखा है 17 .17, right? Now, मुझे फोरकास्ट निकालना है मेरा मॉडल क्या है मेरा मॉडल है, है ना अगर मुझे नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट निकालना है वो क्या होगा वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन into yt because yt is a function of yt minus 1 so yt plus 1 is a function of yt similarly yt plus 2 is equal to b0 plus b1 into yt plus 1 correct since yt plus 1 is a function of yt so yt plus 2 is a function of yt plus 1 similarly yt plus 3 is equal to b0 प्लस बी वन इंटू वाई टी प्लस टू ऐसे करके क्या मैं एन पीरियड अहेड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं द आंसर इज यस एन पीरियड अहेड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं तो सबसे पहले वाई टी प्लस वन निकालते हैं फिर वाई टी प्लस टू फिर वाई टी प्लस थ्री एन सो ऑन तो यहां पर मुझे वाई टी प्लस वन के लिए क्या चाहिए वाई टी चाहिए मतलब प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा लास्ट वैल्यू होगा जो लास्ट अवेलेबल वैल्यू है दैट इज थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव थ्री ये 3.5 अनुप्लॉयमेंट रेट कब का डेटा है फर्स्ट का, फर्स्ट से लेटेस्ट डेटा आई है फर्स्ट सेप्टेंबर पे वाई टी पे राइट right? तो मैंने क्या किया मैंने सिंपल इक्वेशन को यूज किया तो आई विल से फोरकास्ट इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू C903. C903 क्या है जो मेरा प्रेजेंट अनइंप्लॉयमेंट रेट है C903 नाइन जीरो इज माई प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट थ्री पॉइंट फाइव तो मेरा फर्स्ट पीरियड अहेड फोरकास्ट कितना आया थ्री पॉइंट फाइव सिक्स देन मैंने सेकेंड पीरियड का फोरकास्ट कैसे निकाला इट इज बीटा जीरो प्लस बीटा वन इन टू माई प्रीवियस फोरकास्ट अब मेरा प्रीवियस वैल्यू तो अपने आप में एक फोरकास्ट है तो मैं उसी को यूज करूंगा तो मेरा क्या आ गया थ्री पॉइंट सिक्स थ्री फाइव जीरो सिक्स सिमिलरली थर्ड पीरियड का फोरकास्ट क्या होगा थर्ड पीरियड अहेड फोरकास्ट दैट विल बी माय बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू वाइट टी प्लस टू वाइट टी प्लस टू कितना है थ्री पॉइंट सिक्स थ्री ऐसे करके मैं एन पीरियड अहेड का फोरकास्ट निकाल सकता हूं तो मैंने कितने मंथ्स का फोरकास्ट निकाला है पांच सौ मंथस का फोरकास्ट निकाला है पांच सौ मंथस अहेड का फोरकास्ट निकाला है अगर आप ध्यान से देखोगे आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम माय फोर आर गेटिंग स्टेबल एट द लॉन्ग टर्म मीन रिवर्टिंग लेवल कैन यू सी आफ्टर सम टाइम माय फोर आर गेटिंग स्टेबल एट द लॉन्ग टर्म मीन लेवल

ट्रेंडिंग अपवर्ड होगा या ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स होगा नहीं ओवर द लॉन्ग टर्म इट विल रिवर्ट टू द लॉन्ग टर्म मीन लेवल तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि शुरू शुरू में कुछ फोरकास्ट आए बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट इज रिवर्टिंग टू द लॉन्ग टर्म लेवल राइट एंड ये जो मेरा फोरकास्ट आया इसके आसपास में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्रिएट कर सकता हूं उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे क्रिएट होता है Right, वो मैं शो करूंगा मेरा लोअर लिमिट लिमिट अपर तो आपको दिख रहा है कि उसके आसपास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है।, तो है उसके लिए आपको अपने आउटपुट के अराउंड क्या बनाना होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनता है वो हम देखेंगे ठीक right? है वो, भी देखेंगे. वो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में हेल्प करेगा

मल्टीपल टाइम सीरीज मतलब आपके पास y भी है x भी है एंड सारे y और x टाइम सीरीज है तो वहां पर एक मल्टीपल टाइम सीरीज का कंसेप्ट आएगा अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है तो वहां पे को इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आएगा दो से ज्यादा है तो एरर करेक्शन मॉडल्स का कंसेप्ट आएगा वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल्स अगर सीरीज को वेरियंट स्टेशनरी है परफेक्ट आप सीधा साइकिल्स को मॉडल कर सकते हो अगर सीरीज को वेरियंट स्टेशनरी नहीं है तो उसका रीजन क्या है कि डेटा में ट्रेंड है या सीजनेलिटी है तो हम लोगों को हर एक कॉम्पोनेंट को अलग अलग मॉडल करना है तो पहले हम ट्रेंड और सीजनैलिटी को हटाएंगे वो हटाने के लिए या तो आप डिफरेंसिंग कर सकते हो या आप डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कर सकते हो डिफरेंसिंग हर एक सिचुएशन में वर्क करता है डी ट्रेंडिंग एंड डी सीजनलाइजिंग कुछ स्पेशल में वर्क करता है वो हम देखेंगे जो भी आप टेक्निक यूज करोगे आपका सीरीज क्या हो जाएगा कोवेरियंस स्टेशनरी उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट करना है दो तो या तीन तरह के मॉडल्स होते हैं ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज एंड अर्मा मॉडल्स ऑटो रिग्रेशन मतलब यू आर रिग्रेसिंग वेरिएबल विद इट्स ओन वैल्यू इन द पास्ट मूविंग एवरेज मतलब यू आर रिग्रेसिंग वेरिएबल विद द एर टर्म इन द पास्ट राइट right? तो आपका ऑटो रिग्रेशन मॉडल का ऑर्डर क्या होगा और मूविंग एवरेज मॉडल का ऑर्डर क्या होगा वो तो आपको सेलेक्ट करना है विद इन मॉडल सेलेक्शन वो सेलेक्ट करने के लिए आप एसीएफ एंड पीएसीएफ को प्लॉट करके उसका बिहेवियर देख सकते हो उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कैसे वो हम देखेंगे अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स आ रहे हैं तो आप चूज कैसे करोगे कौन सा मॉडल अच्छा है उसके लिए यू कैन कैलकुलेट एआईसी एंड बी आईसी इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया एंड बेजन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया जो कि कंप्लेक्सिटी को पिनलाइज करते हैं रिवॉर्ड करते हैं जो भी आपका मॉडल आया उसके बेसिस पे आप फिटेड वाइटी निकालोगे एंड एरर टर्म निकालोगे वो जो आपका मॉडल आएगा उसको आपको चेक करना है फॉर फोर थिंग्स सिग्निफिकेंस आपके को इफिशियंट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए ए फॉर एक्यूरेसी आपके मॉडल का एक्यूरेसी हाई होना चाहिए एडिक्वेसी एडिक्वेसी मतलब आपके मॉडल में एजम्पन्स फुलफिल होनी चाहिए एंड फोर्थ इज जी जी फॉर जनरलाइजेशन मतलब मॉडल सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा वर्क करता है वो टेस्ट डेटा पे भी अच्छा वर्क करना चाहिए नाउ अगर एजम्पन्स की बात करें तो हमारा एरर टर्म्स शुड बी वाइट नॉइस

स्टेबिलार्म मीन ले आपकी वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली देर नॉट सर्टेन तो आउटपुट अनसर्टिनिटी को कैप्चर करने के लिए हम उसके अराउंड कॉन्फिडेंस इंटरवल भी क्रिएट करेंगे राइट सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर डे वन मैंने आपको टाइम सीरीज का पूरा ओवरव्यू दिया है राइट ऑब्वियसली टाइम सीरीज खत्म नहीं हुआ है हमारा पांच से छह क्लास लगेगा बट मैंने आपको पूरा माइंड मैप में पहले डेस्टिनेशन दिखा दिया अब मैं डिस्कस कर सकता हूं ना को वेरियन स्टेशनिटी क्या है डिफरेंसिंग क्या है डी ट्रेंडिंग डी सीजनलाइजिंग क्या है, तो हर एक कॉम्पोनेट को हम लोग डिक करके डिटेल में स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा मंडे को हम लोग आगे मूव करेंगे एंड वी विल डिस्कस ईच कॉम्पोनेट इन डिटेल राइट थैंक यू वेरी मच आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बिकॉज टाइम सीरीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लोगों को फ्लो चार्ट ही समझ नहीं आता राइट right. लोगों को अभी समझ ही नहीं आएगा आपको अलग अलग फ्लो चार्ट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव था पहले मैं फ्लो चार्ट बना के एक कंसेप्ट को कनेक्ट करवा दूं उसके बाद सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट सो थैंक यू वेरी मच लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे थैंक यू गुड बाय है ग्रेट वीकेंड